उसका मतलब गांव का ही रिश्ता से भी मतलब ऐसे लगते हैं बुआ भतीजा है। अच्छा, कैसे प्यार हो गया? स्कूल से ही होता है, हम लोग नंबर दिए थे, फिर फोन पे बात होनी शुरू हो गई है, उसके बाद फिर एक दूसरे को प्यार हो गया और फिर हम लोग 6 दिसंबर 2020 में शादी कर लिए। ऑर्केस्ट्रा वाली है, ऑर्केस्ट्रा में डांस करती है, ऐसे ऐसे कहती है, क्योंकि हमारे फैमिली वाले कभी इस चीज के लिए नहीं मानते कि तुम दूसरे जाति में शादी करो, तो इसीलिए हमको बात से मौजूद है पटना में। और हमारे साथ जो महिला को आप देख रहे हैं, इनका नाम खुशबू है। और आपको बता दें, इनको प्यार होता है एक लड़के से जो इनके रिश्ते में भतीजा लगता है और ये बुआ लगती है। और आज देखिए, लव मैरिज शादी होता है, उसके बाद ये वीडियो बनाती हैं। आइए इनसे ही बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद अपने चैनल पे लेने के अच्छा, लिए। थोड़ा सा अपने जीवनी के बारे में बताइए, कैसे शुरुआत हुआ प्यार का और प्यार से शादी में बदल गया और आज वीडियो क्रिएटर बन गई। देखिए, वीडियो क्रिएटर तो ये मेरा शौक था शुरू से ही, बचपन से ही हमको डांस का शौक था, तो हम टिकटॉक से ही वीडियो बनाना स्टार्ट किए थे, वही से हम बनाते थे, वहां से मेरा अच्छा फॉलोअर सब था। उसके बाद फिर रही बात मेरी लव मैरिज की, और आप बोले कि मतलब अपने भतीजा शादी की है, तो ये देखिए होता क्या था कि इनकी जो बुआ है ना, वो मेरी बड़ी बहन के साथ पढ़ाई करती थी, तो उस हिसाब से हम लोग लगते हैं, बाकी हम लोग का कोई खून का रिश्ता है नहीं। हमारा इंटर कास्ट लव मैरिज है, मतलब मेरे हस्बैंड भी अलग कास्ट के हैं, हम भी अलग कास्ट के हैं। रिश्ते में जैसे एक तरह से जोड़ा जाए तो आप बुआ लगती हैं और भतीजा लगती हाँ, तो देखिए ऐसे जोड़ेंगे तो हस्बैंड वाइफ में भी तो कई सारा रिश्ता निकलता है, तो जोड़ने से तो बहुत सारा रिश्ता निकल हैं। जाता है, तो हम लोग तो नहीं मानते हैं कि बुआ भतीजा है, क्योंकि हमारा ना कास्ट है ना कुछ है। जब लोग एक कास्ट में शादी करता है, अगर ऐसे रिश्ता निकालेंगे तो एक कास्ट में तो बहुत सारा रिश्ता हो निकल जाता जाएगा, फिर अदर कास्ट में क्या है, अब हमारा तो अदर कास्ट है और दूर का मतलब गाँव का ही रिश्ता से भी मतलब ऐसे लगते हैं बुआ भतीजा है। अच्छा, कैसे प्यार हो गया? स्कूल से ही होता क्या था कि जैसे इनकी बुआ थी ना, वो मेरे घर पे आती थी, तो कभी कभी ये उनके साथ आते थे, अच्छा, उस टाइम हम भी छोटे थे और ये भी छोटे थे, तो उसी हिसाब से हम लोग एक दूसरे को जानने लगे, फिर साथ में पढ़ने लगे। होता है ना कि चलो रिश्तेदार है तो साथ में पढ़ते थे, तो एक दूसरे का हेल्प लेना पढ़ाई के दौरान, यही सब होता था, और ये होते होते फिर हम लोगों को मतलब हुआ प्यार हुआ और प्यार फिर हुआ। शादी किया। अच्छा, कैसे, क्या बोले वो आपको? वो जैसे कि पढ़ाई की, जैसे पढ़ाई करते हम एक दूसरे के साथ, फिर बात करते करते हुआ कि जैसे छठ उठ में, छठ था आज लगभग 7-8 साल हो गया है वो छठ को, छठ में हम लोग नंबर लिए थे, फिर फोन पे बात होनी शुरू हो गई है, उसके बाद फिर एक दूसरे को प्यार हो गया अच्छा और फिर हम लोग 6 दिसंबर 2020 में आके शादी कर लिए, जबकि हम लोग 2014 से ही एक दूसरे को जानते थे। अच्छा घर से भाग कर शादी की, ऐसा क्यों? घर से भाग के शादी इसलिए किए क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा समाज अदर कास्ट को बढ़ावा नहीं देता, लव मैरिज को बढ़ावा नहीं देता, ये तो पता है, चाहे वो एक कास्ट ही क्यों नहीं हो, लेकिन इंटर कास्ट को कभी बढ़ावा नहीं देता है कि तुम दूसरे जाति में शादी करो, तो हमारे फैमिली वाले कभी इस चीज के लिए नहीं मानते कि तुम दूसरे जाति में शादी करो, तो इसीलिए हमको भाग के शादी करना पड़ा। अच्छा, भाग कर ही शादी करने, अपने माँ बाप को समझाती कि शादी हम उनसे प्यार करते हैं, तो समझ पाते या नहीं? नहीं समझते, क्योंकि देखिए ऐसे एक कास्ट रहता तो यहाँ तक हमको पूरा विश्वास है कि मेरे मम्मी पापा मान जाते हैं, लेकिन दूसरे कास्ट था और दूसरे कास्ट में कोई भी फैमिली वाला नहीं चाहता है शादी करवाना, बस सरकार कहने के लिए कह देता है कि तुम इंटर कास्ट लव मैरिज करो, तुम अदर जाति में शादी करो, तुमको हम बढ़ावा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अच्छा, जब रुपया मिला कि बढ़ावा नहीं शादी नहीं का? नहीं मिला है, इंटर कास्ट में तो मिलता है रुपया। हाँ मिलता है लेकिन हम लोग को नहीं मिला, क्योंकि हम लोग शादी के 1 साल बाद घर वाले को बताए थे कि हम लोग अच्छा शादी कर लिए अच्छा हैं। घर के लोग तो जानते होंगे कि आप उनसे बात करती हैं। हाँ बात करते हैं ये तो जानते थे, लेकिन हम शादी कर लिए हैं, शादी को 1 साल हो गया ये नहीं जानते थे, क्योंकि हम चुरा करके शादी किए थे, जैसे मंदिर में शादी करके हम लोग अपना कागज वगज बना लिए थे कि कल को अगर हमारे फैमिली वाले कहीं और मेरा शादी करेंगे तो बताएंगे कि हम अच्छा, शादीशुदा। तय भी किए होंगे शादी आपका कहीं और, हाँ शादी तय किए थे, कैसे पता चला, फिर क्या हुआ? जैसे घर वाले होता है ना कि बात करते रहते हैं, बात चला रहे थे, तो उस समय हमको लगा कि अब मान के लिए शादी लगा रहे तो कहीं ना कहीं सेट हो ही जाएगा, तो इसी वजह से। इसके लिए आप लोग जल्दी सोचे होंगे कि जल्दी शादी कर ही लेते हैं। हाँ हाँ ये सोचे कि चलो अब शादी जल्दी नहीं, मतलब हम लोग का ये ड्रीम था कि हम लोग जॉब उब करेंगे, पढ़ाई करेंगे, उसके बाद शादी करेंगे, लेकिन सिचुएशन ऐसा क्रिएट नहीं हुआ जिसकी वजह से शादी करना पड़ा जॉब से पहले। अच्छा, कहाँ जॉब भी की है आप? हम टीचिंग करते थे पहले, जैसे कि नॉर्मली टीचिंग करते थे प्राइवेट में, लेकिन क्या कहते हैं जैसे कि ये फैमिली वाले शादी लगाने लगे थे, तो कहीं ना कहीं शादी तो हो ही जाता, आजकल थोड़ी देखता है समाज के दबाव में या फिर लोग के दबाव में, थोड़ी कोई देखता है कि हम बेटी को बस पढ़ा दिए, चलो पढ़ लिख करके करेगी क्या, कहीं प्राइवेट काम कर लेगी, उससे से मतलब हो जाता है, तो हमें लगता था कि कहीं ना कहीं हमारी शादी हो जाएगी, तो इसी की वजह से हम लोग शादी अच्छा, करके। आपके पति के घर वो लोग क्या बोले?
वो लोग देखिए, वो लोग क्या बोलेंगे, वो लोग तो गाली ही देते थे फर्स्ट टाइम में, हाँ जैसे शुरू शुरू में पता चला था तो गाली देते थे, क्योंकि आप जानते हैं कि सबको दहेज चाहिए होता है। हमारे अंदर क्या, हमारे अंदर चीजें क्या थी, हमारे अंदर टैलेंट कितनी थी, हम क्या करते थे, उसे उनसे उनके मतलब परिवार को कोई मतलब नहीं था। लेकिन हाँ, उनको मतलब ये दिमाग में था कि हाँ चलो अदर कास्ट की लड़की को ले आया है और अच्छा से शादी करता, दहेज मिलता, ये सब टाइप का मतलब होता था। तो फर्स्ट टाइम हमें भी परेशानी हुई थी, क्योंकि हमें लगता था कि हम जैसी लड़की हैं, जितना दहेज वो उनको मिलना चाहिए उतना हम कमा सकते हैं, इतना हमको लगता था। तो फर्स्ट टाइम बहुत तकलीफ होता था, लेकिन लेकिन आपके टैलेंट के बारे में उन लोगों को पता नहीं था, सब कुछ पता था, सब पता था, फिर सब भी अंधे पता। बने थे। हाँ, सब कुछ पता था, फिर भी अंधे बने थे। क्योंकि लव मैरिज में होता है कि आप अगर मतलब होता है ना, एक सरकारी नौकरी जो होता है ना वो करते रहिएगा तो लोग कहेगा कि अरे चलो सरकारी नौकरी है, भले उठा के ले आया। लेकिन अगर आप प्राइवेट कहीं जॉब करते हैं, कमा रहे हैं, आपके अंदर टैलेंट है, आप आगे बढ़ रहे हैं, उनसे कई गुना बेटर फैमिली से, उनसे कई गुना अच्छे हैं, वो चीज कोई वैल्यू नहीं रखता है। आजकल के जमाने में सिर्फ सरकारी नौकरी का ही वैल्यू है। हाँ। लेकिन अभी कहीं ना कहीं हम वीडियो बना रहे हैं, कमा रहे हैं, तो हमको अपने आप में भी अच्छा अच्छा, अब लगता है। जाते हैं कि नहीं घर पे? जाते हैं, लेकिन फिर भी मतलब उतना ज्यादा ये रिस्पॉन्स नहीं रहता हाँ, है जितना मतलब पहले रहता था हमारी फैमिली का या फिर उनके फैमिली वाले का ही। कितने भाई बहन हैं? हम चार बहन एक भाई हैं। 4 बहन 1 भाई है। अच्छा, क्या लगता है आपके शादी करने से उन लोगों पे भी कुछ बुरा प्रभाव पड़ा है क्या? बुरा देखिए, बुरा प्रभाव तो पड़ा है। गांव वाले लोग बोलते पापा मम्मी को भी ताना देते हैं, और क्या कहते हैं मतलब भाई बहन जो है उन लोग को भी बोलते हैं, जैसे कि बहन सब है तो उनको भी कहते हैं कि ये लोग भी भाग के शादी कर ले। हम तो ऐसे तीसरे नंबर पे हैं, मेरी एक ही बहन और है अभी, लेकिन कहते हैं ये लोग भी भाग के शादी। हम तो कहते हैं भाग करके शादी करने में बुराई है, लेकिन लव मैरिज में क्या बुराई है? अगर मम्मी पापा पेरेंट्स मान जाएंगे, शादी करवाएंगे, तो इसमें क्या बुराई है? बहुत ज्यादा ताना देते होंगे आपके गांव के लोग। बहुत ज्यादा, यहाँ तक हम वीडियो बनाते हैं तो कहते हैं ऑर्केस्ट्रा वाली है, ऑर्केस्ट्रा में डांस करती है, ऐसे ऐसे कहती है। क्योंकि कोई भी इंसान हो, आपके अंदर की चीजें को, आपके अंदर की प्रॉब्लम को, या फिर आपके अंदर क्या टैलेंट है, कितनी अच्छाई है, उस चीज को कोई नहीं देखता है। आपके पीछे बुराई क्या है उस चीज को जल्दी लोग निकाल हाँ, देते हैं। यानी कोई काम अच्छा कीजिएगा और एक बुराई कर दीजिएगा तो उस पे सब धूल हाँ, सब जाएगा। भूल जाते हैं हम, जैसे कि जितना हमको लोग शादी से पहले जितना लोग चाहते थे, एक लव मैरिज की वजह से सबको लगता है कि नहीं ये लड़की अच्छी नहीं है, ये लड़की गलत है, ऐसी है, इस टाइप का माहौल मेरे साथ अच्छा, क्रिएट हो वीडियो गया। बनाना भी खराब बात है? वीडियो बनाना, देखिए वीडियो बनाना खराब बात नहीं है, आजकल के जमाने में अगर मान लीजिए आप किसी से 100 रुपया मांगिएगा समय पे तो कोई आपको नहीं देगा। नहीं, और वही अगर हम वीडियो बना करके कुछ अर्न कर लेते हैं, कमा लेते हैं, तो उसमें क्या बुराई है? वीडियो बना के कमाने में क्या बुराई? आप प्राइवेट, आप सरकारी जॉब कीजिएगा, उसमें भी आपको पैसे मिलेंगे। हाँ, अगर आप मान के वीडियो बना करके ही कमा लेते, इसमें क्या बुराई है? हम तो अच्छा मतलब करते हैं ना, जैसे मान लो अभी नवरात्रा चल रहा है तो नवरात्रा का शूटिंग करते हैं, भोजपुरी जो मतलब होता है कि संस्कार में रहते हुए वीडियो बना लेते हैं, छठ का बना लेते हैं, तो इसमें क्या बुराई है? लोग हमें जानते हैं, लोग हमें पहचानते हैं, लोग सपोर्ट करते हैं, कमेंट करते हैं, पॉजिटिव कमेंट करते हैं, बहुत सारा निगेटिव भी रहता है तो, लेकिन मतलब फिर भी इसमें क्या बुराई है वीडियो बनाने में? अगर आप मान लीजिए यही दशहरा है ना, नवरात्र चल रहा है, अब ऑर्केस्ट्रा होगा, दूसरे के बहन को देखने तो सब जाएंगे, लेकिन खुद की बहन अगर मान के चलिए उसी के जरिए एक पॉजिटिव रहते हुए अच्छा से बना रही है, तो उसको सब कहते हैं कि अरे ये क्या कर रही है, ये गलत है। मतलब दूसरे की, दूसरे को लोग को देखना तो बहुत अच्छा, और खुद के घर में अगर कुछ मतलब अच्छा कर रही है, आगे भी बढ़ रही है, तो बहुत खराब है। दूसरे की बेटी वीडियो बना के आगे बढ़ रही है, दूसरे की मतलब कोई और रिलेटिव है जैसे वो आगे बढ़ रही है, तो उनको लोग सारे लोग मतलब वाहवाही करते हैं, अरे बहुत अच्छा है, वीडियो बना करके देखो ये कर ली, वो कर ली। वही खुद के गांव से होता है, खुद के घर में होता है, तो लोग कहते हैं कि ये क्या कर रही है, ये हाँ, गलत है, ऐसा होता है। तो हम तो यही कहते हैं कि लोग का कभी मत सुनो, अगर हम लोग का सुनते ना तो आज कहीं भूखे मर रहे होते हैं, इतना हाँ हमको लगता है। क्योंकि हम लोग को बहुत सारा लोग ताने देते थे कि वीडियो बना दी है, पढ़ी लिखी, अच्छा जॉब कर सकती है, लेकिन वो हमारे अंदर की चीज तो नहीं समझते थे कि हमारी बेटी थी, हम उनको लेके कहीं जॉब नहीं कर सकते थे, तो हम अपना वीडियो ही बनाते हैं। कहीं ना कहीं आज हमें खुशी होता है कि चलो हम वीडियो बना के आज हम यहाँ तक पहुंच गए, लोग हमको जानते हैं, पहचानते हैं, जो लोग समझते हैं वो बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं, जो नहीं समझते वो तो ऐसे बोलते रहते हैं।